रागदीगदञ्चर प्रवाहभाविदस्तरे गलेवलं व्यलम्बिताम्बुजम्बुकं कपालिका नमट्टमट्टमन्निनादमट्टमर्वयच्चकारचण्डताण्डवं तरोतु नः शिव शिव जटाकटाः सम्भ्रमक्तमन्मनिन्दगञ्चरिन्दिरोलवीचि वल्लरी विराजमानवन्दन अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब मैं हम लोग जा रहे हैं मंदिर पूजा करने और साथ में हमारे कौन कौन जा रहे हैं तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे दीदी साथ में जा रही है और अभी हम लोग खूब ढेर सारा रील बनाएंगे और यहाँ पे मैं मिलवाती हूँ अपनी आंटी से जो कि आंटी बहुत स्वीट है, बहुत ज़्यादा और बहुत मतलब कि हमको ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं कहीं और आई हुई हूँ, बहुत प्यार दे रही हैं और बात वगैरह भी हो रहा है, हम लोग सब लोग साथ में बैठे बात किए और अभी यहाँ पे पानी लेकर खड़ी है क्योंकि अभी दीदी आई हुई है तो उनको पानी और अब चल रहे हैं हम लोग जल्दी से पूजा करने चलो पूजा कर लेते हैं और उसके बाद थाली सजाई आंटी पूजा वाला हां थाली ले गए मम्मी आपने कर ली मैं तो कर रही बेटा मैं यहां पे ये पत्थर का बनाया क्या आंटी हैं हां पत्थर का बनाया ये कहां से मंगाई थी ये जब हमने यहां शिफ्ट किया था ना अच्छा हाँ तब लेके आए लगभग कितना साल हो गया करीब हो गए 11 साल वाह और यहाँ पे अब जो है ना पूजा के लिए सारे पर्दे हटा देंगे ना जो है वो निकाला जा रहा है हाँ 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 हटाओ क्योंकि अभी तो पूरा दिन ही चले लिया आप तो आंटी फूल मतलब कि जा रहे तो सब ले जाओ सब ले जाओ सब ले मैं तो जल में ही क्या करती हूँ तो क्या क्या लिया है इसमें पहले ये धतूर और यहाँ पे है बेलपत्तर जो कि भगवान शिव को मतलब कि पूजा मेन पूजा इसी से किया जाता है और चंदन भी रहता है तो यहाँ पे अभी मैं सब अच्छे से क्या कर रही हूँ अरेंज कर दे रही हूँ जो कि बेलपत्तर धतूर और फूल है यहाँ पे और इसमें पूरा जल है जो कि अभी आंटी भी हेल्प कर रही है मेरे साथ अरे यहाँ फल और यहाँ पे फल है तो फल भी अभी मैं लूँगी उससे पहले कि यहाँ मैं जल में क्या कर रही हूँ रोज फ्लावर डाल कर रही हूँ सॉल्ट इसमें क्या हो रहा है इसमें अभी दूध है और इसमें अभी थोड़ा पानी पिलाएंगे ताकि तो फ्रेंड्स यहाँ पे भाभी हैं जो अच्छे से रेडी हो चुकी हैं मंदिर जाने के लिए तो भाभी क्या क्या लेके जा रही हो आप यहाँ पे अभी मैं भगवान शिव को चढ़ाएंगे और यहाँ पे मैं पूरी अच्छे से थाल से जा रही हूँ मंदिर जाने के लिए और कुछ आंटी भी मेरा हेल्प की हैं तो यहाँ पे अब मैं क्या करती हूँ जो चुन्नी है चुन्नी तो नहीं बोल सकते लेकिन हाँ ये तीन कपड़े हैं तो मैं इसको ढक ले रही हूँ बाकी यहाँ पे जो जल है इसमें मैं दूध है और पानी थोड़ा मिलाई और इसमें जो है रोज जो है वो इसमें डाल दिए हैं तो यहाँ पे देखिए अभी भगवान जी को जल भी चढ़ाएंगे और एक जो छोटा सा लोटनी और है वो तांबा का है तो हमारे यहाँ कहते हैं कि भगवान शिव को तांबे के ही लोटे से जल चढ़ाते हैं इस जल से मतलब कि ये तो बस ऐसे ही मैं ले ली हूँ नॉर्मल बाकी जो मेन जो है लोटनी उससे मैं जल चढ़ाऊँगी बाकी यहाँ पर भगवान जी का मूर्ति है और फिर यहाँ पर देखिए कितनी खूबसूरत मंजिल है तो यहाँ पे अभी हम लोग दर्शन करते हुए उसके बाद मंदिर जाएंगे मंदिर में पूजा करेंगे और आप लोग कमेंट में भरिएगा कि आप लोग कौन कौन फास्ट रखे हैं कौन कौन भगवान शिव को पूजा करने गए हैं और भगवान शिव को कौन कौन मानते हैं लोग तो बस आप लोग बने रहिए और ब्लॉग में मुझे खूब ढेर सारा प्यार दीजिए और ब्लॉग में लिखना मत भूलिएगा कमेंट में हर हर महादेव तो बस अब चलते हैं मंदिर तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं मंदिर में और जो कि हम लोगों के ये जो मोहल्ला है ना इसी में एक मंदिर बना हुआ था जो कि भोलेनाथ का ही है
तो हम लोग आ चुके हैं मंदिर के पास और यहाँ पे रंजना भी है, शायद फंस गई है। आओ फानो, फान रहे, फंस जा रहा है इसमें। नहीं फंस रहा है, चलो सबसे बेस्ट चीज़ है ना कि मंदिर जो है एकदम मोहल्ला में ही है, तो सब लोग जो हैं वो माथा टेकने आ ही जाते हैं। और यहाँ पे हमारे भोलेनाथ क्योंकि एकदम मतलब शांति भी है और बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है कि इतना अच्छा हम लोग आ गए हैं। और यहाँ पे आप फोटो ले लीजिएगा। तो वैसे यहाँ पे माता रानी भी हैं, दुर्गा माँ, और यहाँ पे शंकर भगवान का जो है शिवलिंग है वो भी है। और यहाँ से आप लोगों को पता है कि जल जो है एकदम ड्रॉप ड्रॉप करके गिरते रहता है। तो सबसे पहले इतना शांति है ना यहाँ पे और इतने अच्छे से सब हम लोग दर्शन कर लिए। वैसे तो घर पे रहते तो अच्छे से सब लोग, अभी शिव मंदिर में भीड़ लगा होगा। यहाँ पे भी जो कौन सा मंदिर है जहाँ राजेश्वर मंदिर, राजेश्वर मंदिर, और कौन कौन सा मंदिर है यहाँ पे, कैलाश मंदिर, बल्केश्वर, पृथ्वीनाथ, चार मंदिर है आगरा के, चारों कोरों में चार मंदिर है। अच्छा, और ये चारों मंदिर पूरा आज पूरा भीड़ होगा पूरा। तो हम लोग हो सकेगा तो कैलाश मंदिर आज जाएंगे लो, जहाँ यमुना जी मतलब वहाँ से होते हुए गई है ना। हाँ बहुत अच्छा है वो भी। अभी दीदी का थोड़ा तबीयत सही नहीं है, डॉक्टर के पास से आ रहे हैं तो इस वजह से जो है ना थोड़ा सा ये आज फास्ट भी है। तो यहाँ पे शंकर भगवान जी हैं, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। इसके बाद हमको तो नहीं याद है, तारकेश्वराय शिवा तारकेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। हे महाकाल जी, अगर कोई भी हम लोग से गलती हुआ होगा तो क्षमा करना और अपना आशीर्वाद और कृपा हमेशा बनाए रखना। यहाँ पे जो है हम लोग जो है आए हुए थे मंदिर में, मुझे नहीं उम्मीद था कि इतना मतलब पास में ही मंदिर होगा और इतना अच्छा लग रहा है ना। यहाँ पे दुर्गा माँ भी है और भोलेनाथ, हर एक दुख से हम लोगों को बचा के रखना, हमारे पूरे परिवार को कुछ अच्छे से बचा के रखना। और यहाँ पे हम लोगों का जो भी मनोकामना है आप जरूर पूरा पूर्ण करना।
फूल चढ़ा दिए। हर हर महादेव। तो मैं यहाँ भगवान शिव के मंदिर में आ गई थी पूजा करने, और यहाँ पे मैं अच्छे से जल चढ़ा दी, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या किए थे, दिया दिखा रही थी भगवान शिव को, और अपने मन में और श्रद्धा रखकर मैं बोल रही थी कि नमः शिवाय नमः शिवाय, और सारे भगवान जो भी थे मैं उनको अच्छे से पूजा पाठ कर रही थी, और मैं अपने मन में यही बोल रही थी कि हे भगवान मेरी फैमिली को और मेरा सुहाग हमेशा अमर रहे, हमेशा अपना कृपा मेरे ऊपर बनाए रखना मेरी फैमिली के ऊपर, और मैं आशीर्वाद भी अपने मन में बहुत कुछ बोल रही थी, और भगवान को मैं जल भी चढ़ा रही थी। कहते हैं ना कि भगवान शिव को जल चढ़ाओ, कहते हैं ना गाइस कि भगवान शिव को पूजा करो तो भगवान बहुत पे, तो यहाँ पे हम लोग जल चढ़ा रहे थे, और भगवान शंकर को हम लोग जल इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि भगवान शिव ने अपने विष को अपने कंठ में जल समर्पित किए थे और वो पूरी दुनिया की रक्षा किए थे, तो हम लोग मतलब कि जल चढ़ाते तो बहुत ज़्यादा प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पे मैं आप सबको एक बात बता दूँ कि सावन मास में हम लोग सोमवारी का व्रत रखते हैं, तो पूजा करने से भगवान शिव का अपना आशीन कृपा हमेशा बनाए रखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग भगवान शिव को जल चढ़ा रहे थे और पूजा कर रहे थे, और यहाँ पे मुझे बहुत सुकून मिल रहा था, और यहाँ पे मैं पूजा करने के बाद भगवान शिव से मैं अपने मन में यही श्रद्धा रख रही थी कि हे भगवान अगर मैं जो भी कुछ गलतियाँ की हूँ तो आप उसे माफ़ करना और मेरी पूरी फैमिली का रक्षा करना। और यहाँ पे मैं उठकर फिर यहाँ पे मैं दुर्गा माँ का भी मंदिर था बगल में, तो मैं यहाँ पे दुर्गा माँ को भी आरती कर रही थी, और यहाँ पे फल जो भी था, फल था फूल था, तो मैं वो सब चढ़ाकर और उसके बाद मैं दुर्गा माँ से भी आशीर्वाद ली। फिर कहते हैं ना कि अगर मन में कुछ भी हो तो मन में बोल देना चाहिए, तो मैं भगवान और माता रानी से मैं अपना जो भी दिल की बातें थी मैं सब कुछ बताई। फिर उसके बाद ये आए और भगवान शिव को भी पूजा की और दुर्गा माँ का। फिर यहाँ पे दीदी थी तो मैं इनको क्या की थी, टीका लगाई। हमारे यहाँ कहते हैं ना कि जब भी पूजा करो पूजा करने के बाद नाक से सिंदूर लगाओ और फिर टीका लगा दो, और उसके बाद मैं यहाँ पे इनको ये भी थे तो मैं इनको भी टीका लगाई, और मैं दुर्गा माँ का भी आशीर्वाद लेकर मैं अपने मांग में भी क्या कि सिंदूर लगाई और मैं भी अपना टीका लगा ली चंदन का और सिंदूर का। बाकी मैं तो गाइस यहाँ पे अभी शंकर भगवान का ही पूजा हो गया, माता रानी का ही पूजा हो गया, और जितने भी भगवान यहाँ पे मौजूद है सब लोगों को हम लोग माथा टेक लिए। अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर की ओर, और गाइस अब जो है ना आप लोगों का प्यार का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आप लोग अपना प्यार ऐसे ही देते रहिएगा, और हमेशा जो है जितने भी लोग अगर हमारे बातों से किसी को भी दिक्कत हुआ होगा उसको मैं भगवान के सामने ही क्षमा मांग रहा हूँ, और गलती हुआ होगा तो माफ़ कीजिएगा। हम लोग भी कुछ सोच समझ के ही अपना काम जो है अभी कर रहे हैं, कुछ बात है जो कि आप लोगों को धीरे धीरे करके हम बता देंगे। खैर अभी रहने देते हैं। हम लोग जब शंकर भगवान को पूजा किए थे अम्बाला में जब गए हुए थे तो उस वक्त हमारे पास मतलब था तो सब लोग, लेकिन आज जो है वो धीरे धीरे करके कुछ कुछ चीज़ जो है हम लोगों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, और देखते हैं अभी कहाँ तक हम लोगों का सफ़र जाता है। मुझे लगता है कि पता है जब सोते हैं ना तो मतलब भगवान जैसे कृष्ण जी का ज़्यादा मेरे दिमाग में आता है, और शंकर भगवान का भी मतलब मेरे दिमाग में आता है कि आओ, मतलब ऐसा लगता है कोई बुला रहा है, इसलिए शायद हो सकता है कि बोला जाता है ना कि जब भगवान बुलाते हैं तो लोग खुद वहाँ पहुँच जाते हैं कहीं ना। अभी हम नहीं जानते थे कि यहाँ हम पूजा करेंगे या कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर रंजना और हम जब अभी साथ में हम लोग निकले हैं तो अपने भगवान को नहीं भूलेंगे और उन्हीं के साथ उन्हीं का आशीर्वाद लेते हुए आगे निकलेंगे, और अभी और बहुत सारा काम करना है। खैर अभी वीडियो को लेकर चलते हैं आगे, और अब आप लोग खूब सारा प्यार दीजिएगा, धन्यवाद। तो और यहाँ पे दीदी अभी मतलब प्रसाद दे रही हैं, वो भी आंचल में लिया जाता है। हम लोगों को जितना आ रहा है उतना हम लोग कर रहे हैं, अगर गलती सही हुआ होगा यहाँ पे नहीं। तो यहाँ से अब हम लोग निकल रहे हैं घर, घर जाने के बाद से हो सकता है कि हम लोग एक और मंदिर जाएंगे सामने, थोड़ा सा धूप खत्म हो जाए उसके बाद। तो चलिए भोले बाबा अब हम लोग जा रहे हैं। अरे हाँ महावीर जी बजरंगबली।
रास्ता ही नहीं है। ये है शीतला माँ और हम बजरंग बली वहाँ पे थे और शंकर भगवान और दुर्गा माँ जो है वो अंदर। तो गाइस अभी हम और रंजना जो है पूजा कर ली है, घर जा रहे थे लोग, तो वहाँ पे आशीर्वाद हम लोग मतलब वहाँ पे प्रणाम नहीं किए थे क्योंकि मंदिर में कहा जाता है कि आप लोग पंडित जी को भी प्रणाम मत किया कीजिए क्योंकि सबसे प्रमुख जो होते हैं वहाँ के जो भगवान होते हैं वो हैं और उनके सामने अगर आप किसी को भी प्रणाम करते हैं तो वो उनका अपमान होता है। इसलिए मैं इनको बोला चाहे हम तुम्हारे लाइफ में जो भी हैं जैसे भी हैं भगवान जो आप लोग बोलते हैं लोग कि पति परमेश्वर होते हैं, पर मुझे जहाँ तक नॉलेज है कि वहाँ नहीं करते, इस वजह से मैं बोला कि तुम आराम से करना, भी बहुत समय रहेंगे, तुम चलो बाहर, हमारे पास समय है, आराम से वहाँ करना। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे तरफ से आप लोग भी खूब सारा आशीर्वाद दीजिए रंजना को और हमको भी और खूब प्यार दीजिएगा। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं घर पे और यहाँ पे मस्त मम्मी एकदम मस्त एसी चला के रेस्ट ले रही थी और यहाँ पे आशीर्वाद दे रही हैं। बहुत तरक्की दे, सफलता दे, दूध ना तू तो बोलो। तो गाइस अभी ना कितना मतलब स्माइल करते रहती हैं और घर में जैसे एक चीज है कि आंटी को मैं कभी सीरियस नहीं देखती हूँ, हमेशा इनके चेहरे पे स्माइल करते हुए रहती है, भगवान करिए हमेशा ऐसे ही रहे और हम लोग मतलब ऐसे ही हम लोग मिलते रहे क्योंकि अब हम लोगों का वक्त हो गया, आप कुछ दिन में हम लोग भी कुछ समय बाद खूब आओ जब भी तुम्हारा मन करे आंटी जरूर बोलती कि यहाँ पे आया करो हमेशा। तो गाइस यहाँ पे रंजना क्या पी रही है, नींबू पानी, वो भी अभी लगाई है मम्मी जी, मम्मी मतलब अभी आंटी बोली है कि पहले जूस पी लो उसके बाद जो काम होता है वो करते रहना, पर हम लोगों का है कि थोड़ा सा फास्ट है मेरा तो कुछ भी अभी बजने वाला है 3 और बोली है जल्दी से पी लो पहले नहीं तो अब डांट पड़ेगा बहुत तेज, तो इसलिए जल्दी जल्दी पी रहे हैं हम भी। और ये हम ऐसे खाना अभी तक नहीं खाए हैं, अब खाएँगे खाना क्योंकि मैं सोच रहा था कि पहले रंजना का पूरा मंदिर अंदर पूजा वूजा कर लेगी उसके बाद से सही रहेगा। तो ये है नींबू पानी। तो गाइस अभी जो है ना अब हम लोग सोच रहे थे कि ब्लॉग तो ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे दूध रखा हुआ था जो कि यहाँ पे एक हमारे पास डॉगी है और इसको अभी मैं मंदिर से आ गई हूँ तो मैं सोची ना कि इसको दूध और रोटी दे देते खाने के लिए क्योंकि हमारे तुम भी पारण कर दी हो क्या? हाँ मैं भी चाय पी, चलो दे दो कटोरी में, बस आप बना लो। तो गाइस यहाँ पे खाना भी दिला के अभी आराम से खा लेगा। बाय बाय। टाटा।